अभी हम चलते हैं उस कंडीशन पे जो संभवतः वो कंडीशन मैं एक दो हफ्ते पहले बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेट के कनेक्टिविटी के कारण हम उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे थे जो पहुंचना चाहिए था। दैट इज प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन आईबीपीएस क्लर्क। आप में से किसी ने आज या कल में आईबीपीएस पीओ का दिया एग्जाम दिया? किसी ने नो भी नो सर, नहीं दिया फर्स्ट है। फॉर्म भरा है अभी फर्स्ट फॉर्म भरा है कौन सा, राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का? आईबीपीएस क्लर्क का। ओके, आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क, देखिए इस बार की जो एग्जामिनेशन है, आप सिर्फ इतना दिमाग में रखने का, सिर्फ देखिए एग्जाम पास करना है, सिर्फ इस चीज को दिमाग में रखने का, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना से एग्जामिनेशन पास नहीं किया जा सकता है। बड़े अक्षरों में लिख के मैं आपको बता देता हूं, टारगेट बेस्ड आपको स्टडी करना पड़ेगा कि मेरी ये एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन के लिए ये सिलेबस है और इस सिलेबस के लिए मुझे ये काम करना है। टारगेट बेस्ड काम कीजिए हमेशा। आपको कहीं आगे चल के पढ़ाना नहीं है जिस कारण से आपको सारी चीज याद होनी चाहिए, आपको सिर्फ उस 35 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन बनने चाहिए, ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस की जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन आपकी जो प्री एग्जामिनेशन है, थोड़ा इस मेंस की साइड लिखो बात। ना, सर दिख थोड़ा नहीं राइट रहा है साइड साइड। लिखे ना, हाँ मैथ लिखा हाँ हुआ यस दिख रहा यस नहीं। यस यस, करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी उसके लिए। आपकी जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन के जो अभी सिलेबस है वो सिलेबस आपकी तीन फैक्ट पे चलती है। मेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, मेंस की बात आगे आने वाले समय में हम करेंगे, है ना। कौन कौन सी है? मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। जो मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ा रहा हूं वो आपके प्री के एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, प्री के एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। आईपीएस क्लर्क की जो एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का पेपर है आपका। ये जो 100 मार्क्स के आपके पेपर हैं, उस 100 मार्क्स में 35 मार्क्स आपके मैथ के हैं, 35 मार्क्स आपके रीजनिंग के हैं और 30 मार्क्स आपकी इंग्लिश की है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? तो यहां भी 35 क्वेश्चन आएंगे, यहां भी 35 क्वेश्चन आएंगे और यहां 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 35, 35, 35 एंड 35। आवाज आ रही है क्या? यस ओके, सर, यस सर, आपके पास जो समय दिया गया है वो समय सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का है, यहां भी जो समय है वो सिर्फ 20 मिनट का है और यहां भी जो समय है वो सिर्फ 20 मिनट का है। मगर अगर आप चाहते हैं कि आप 25 मिनट मैथ को आप बना लें तो नॉट पॉसिबल, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक 20 मिनट के बाद वो स्क्रीन आपके सिस्टम से गायब हो जाएगी, है ना। कि 20 मिनट ही आपको मैथ में देना है, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितने भी बुरे हो, आपको मैथ के सिस्टम पे, मैथ के स्क्रीन पे आपको रहना पड़ेगा। वही रीजनिंग और वही इंग्लिश का है। स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्ट्रैटेजी एग्जामिनेशन में चूक गया तो समझ जाए कि आपको फिर से 1 साल रोना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी बनाने का एकमात्र उपाय है और ये उपाय है आपका टारगेट बेस्ड स्टडी एंड प्रैक्टिस। अभी प्री के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, ये सिर्फ क्वालिफायर एग्जामिनेशन है, इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जी सर। हाँ, यहाँ ये सिर्फ एक क्वालिफायर टेस्ट है, इसको क्वालिफाई करना है। आउट ऑफ 100 एटलीस्ट जो आपको मार्क्स लाना है, मैं एटलीस्ट की बात कर रहा हूं, अगर पेपर की लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम है तो ये 70 भी हो सकते हैं, है ना। तो मैं 65 नहीं लिखता हूं, मैं 70 लिखता हूं। 70 मार्क्स आपको चाहिए महाराष्ट्र में। दूसरी बात कि अलग अलग रीजन, क्योंकि रीजनल एग्जामिनेशन होती है, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग सीट होता है। महाराष्ट्र के लिए अगर 70 है तो आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में चले जाएं, हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए 75 मार्क्स हो, बिहार के लिए 78 मार्क्स हो, वेस्ट बंगाल के लिए 82 मार्क्स हो। तो हर एक स्टेट में ये मार्क्स डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू सीट्स एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक सेफ साइड हमेशा 70% होगा। अगर 70 मार्क्स से आप ज्यादा आते हैं तो आप अपने आप को सेकंड लिस्ट या फिर आप सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, विच इज द लास्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन। देर इज नो इंटरव्यू, कोई भी रिटर्न आपसे इंग्लिश का एससी या प्रीसीएस नहीं लिखवाया जाता है,
इसको क्वालिफाई करना है, सेकेंड फेज में बैठना है और डायरेक्ट एक बैंक में पहुंचना है। तो इतना छोटा सा एग्जामिनेशन है, छोटा दिखने में है लेकिन करने में बहुत बड़ा ये आपको दिखेगा। 70 मार्क्स आपको लाना है 20-20 मिनट के अंदर। तो आखिर हम क्या करें इस 20 मिनट के अंदर जो हमें 70 मार्क्स, एब्सोल्यूट 70 मार्क्स होने चाहिए। तो सबसे पहली बात है वो है कौन सा, पहला जो ब्रह्मास्त्र में लिखता हूं वो है एक्यूरेसी। हमने ये सोचा ऐसा हो जाएगा, भगवान जी का नाम हम ले लेते हैं, ऐसा भूल से भी ना कीजिएगा। एक्यूरेसी इज ब्रह्मास्त्र। अगर एक्यूरेसी आपके हाथों में है तो आपको रोकना थोड़ा टफ होगा। एक्यूरेसी पहला ब्रह्मास्त्र है और दूसरा जो ब्रह्मास्त्र है वो है स्पीड। मैंने कहीं लिखा क्या कि नॉलेज ब्रह्मास्त्र है, आप पढ़ते रहो बढ़ते रहो, कहीं नहीं लिखा। मैंने सिर्फ लिखा है स्पीड और दूसरा लिखा है एक्यूरेसी। ये दोनों अपने आप में क्या है कि इंटरलिंक है। एक्यूरेसी तभी आएगी आपके पास जिस कंडीशन में ये दोनों एक ही चीज से आ सकती है। और वो क्या कंसेप्ट है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। एक्यूरेसी सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है, स्पीड सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है। मैं आपको खुद होके अगर मैथ का डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाता हूं और मैं ये कह दूं कि आप एग्जामिनेशन जाके बना सकते हैं, आप बना तो सकते हैं लेकिन आपके पास स्पीड नहीं आएगी। कंसेप्ट आपके पास है, आपने उस चीज को कभी अमल ही नहीं किया, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन ही नहीं बनाए, आपने ऑनलाइन टेस्ट ही नहीं दिया, आपने ऑफलाइन टेस्ट ही नहीं दिया, आपने ग्रुप के साथ डिस्कशन ही नहीं किया कि अगर मैं 5 मिनट में 5 क्वेश्चन बना रहा हूं, वो बंदा अगर 8 क्वेश्चन बना रहा है तो आखिर कौन सा मेथड उसने लगाया जिस कारण से उसने 3 क्वेश्चन ज्यादा बनाया। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक वाक्य सुनाता हूं 2010 का, नाबार्ड बैंक, मेरा सिलेक्शन 0.75 मार्क्स रह गया था। तो उस कंडीशन में जाके मुझे मालूम चलता है कि एक मार्क्स का वैल्यू कितना होता है। क्लियर? तो इस कारण से मैं बोलता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप कह लें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बैंकिंग के एग्जामिनेशन में कुछ है, दैट इज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि आप दरवाजे को बंद कर दें, लैपटॉप को ले लें या मोबाइल को ले लें, बैंकर से जाके आप टेस्ट दे रहे हैं या किसी भी आप टेस्ट दे रहे हैं, वो गुड अच्छी बात है, बट प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है मैंने, ग्रुप। अरे आवाज आ रही है कि सो रहे सब? ग्रुप, ग्रुप प्रैक्टिस होनी चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रुप प्रैक्टिस आपके पास अगर होगा तो दूसरे से कंपटीशन आप कर सकते हैं। अगर पहले दिन आप ग्रुप पे प्रैक्टिस में बैठिएगा और एक 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप एनालिसिस कीजिए कि आपको 20 मार्क्स आ रहे हैं, यही 20-60 होने चाहिए। जब तक ये कंपटीशन आपके मन में नहीं आएगा तब तक आप 5 साल ही पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन होगा इससे गारंटी नहीं है। लेकिन ये काम आपने अगर 2 महीने कर लिए हैं, ग्रुप के साथ बैठ के कॉम्पिटिशन लगाया है आपने कि मुझे अगर 30 मार्क्स आ रहा है, उसको अगर 40 मार्क्स आ रहा है तो मुझे 41 मार्क्स चाहिए, ये अंदर की भावना जब तक आपके पास नहीं जगेगी तब तक आपको कंपटीशन बहुत टफ लगेगा। लेकिन एक बार अगर लेवल आपका बन गया, दुनिया की हर एक एग्जाम, कहने का मतलब उस लेवल की हर एक एग्जामिनेशन आप पास कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्रुप प्रैक्टिस। ग्रुप प्रैक्टिस से आपको मिलेगा स्पीड और उसी स्पीड से मिलेगा आपको एक्यूरेसी, और यही चीज आपको बैंक एग्जामिनेशन में चाहिए। अभी बात आती है कि साहब मैथ के एग्जाम से 35 क्वेश्चन, हम क्या करें, हम कहां तक पढ़ें, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? यस सर। हाँ, तो अभी आप जाने कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 20 मिनट में मैक्सिमम टाइम आपको यूज करना है, एक भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया फिर आप सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, एग्जामिनेशन अपने आप को प्रूव करने की जगह है। इस कारण से मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन में 5 सिंप्लीफिकेशन होते हैं। अगर वो सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो आपसे 5 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर कहेंगे सर ये क्या है अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन, तो ये बेटर है कि आप अपने मैथ वाले फैकल्टी से आप डिस्कस कीजिए कि सर सिंप्लीफिकेशन क्या है या अप्रोक्सीमेशन क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे आते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से क्वेश्चन पूछे आते हैं, 5 जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे आते हैं, DI, है ना?
और पांच जो है वो नंबर थ्री, नीचे दिख रहा है क्या लिख रहा हूँ, पांच जो है वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। कितने हो गए, 5 × 5 = 25, 10 क्वेश्चन आपसे बचे। ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें अलग अलग हर एक वर्डिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, एक क्वेश्चन एज से, एक क्वेश्चन सीआई से, एक क्वेश्चन एसआई से, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। जितना टाइम हम इन चीजों पर देते रहते हैं उससे ज्यादा बेटर अगर सिर्फ इस पांच को हम प्रैक्टिस करके चलें, जो आसान होता है, जिसमें एक्यूरेसी भी हम ला सकते हैं और स्पीड भी बढ़ेगी हमारी, तो ये पांच सेक्शन आपके पास हैं जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा। बट दिक्कत होती है कि जब हम एग्जामिनेशन को पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास सिर्फ जेहन में एक ही बुक आता है, वो है आरएस अग्रवाल, और आरएस अग्रवाल का नाम अगर जान गए तो ऐसा लगता है एग्जामिनेशन का बेड़ा पार हो गया। थोड़े जो और स्टूडेंट थोड़ा सा एक्टिव होते हैं वो आरएस अग्रवाल के साथ एक और बुक का नाम ऐड कर देते हैं, वो है एम टाइडा। मैं कहता हूं किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट मैं बोलता हूं, बैंक के एग्जाम से पास करना है किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आप जरूर लीजिए और उसमें से आप ढूंढिए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, फिर बाद में आप कितने भी रेफरेंस बुक को आप टच करेंगे वो चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि 20 मिनट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैथ का द्रोणाचार्य कैसे आपको बढ़ना है या आर्यभट्ट आपको कैसे बढ़ना है। 20 मिनट एटलीस्ट 25 मार्क्स अटेम्प्ट करने के बाद 23 मार्क्स आपके पास आने चाहिए, क्योंकि हम हमारी कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी होगी, मैथ्स है एक दो मार्क्स तो चले ही जाते हैं, 23 मार्क्स हमको यहां से लाने हैं 20 मिनट के अंदर। ओके अभी बात आती है रीजनिंग की, पढ़ने में बड़ा मजा आता है, रीजनिंग आता है ना, रीजनिंग पढ़ने में। सर ने कल पढ़ाया ब्लड रिलेशन, सर ने कल पढ़ाया डायरेक्शन, सर ने कल पढ़ाया सिलोलिज्म और आज धकाधक बनेगा। बट सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस आप करेंगे वो होगा आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, सबसे प्राइम फोकस जो आप करेंगे वो है पजल, दूसरा जो है सीटिंग अरेंजमेंट, संडे हो या मंडे, अंडे खाओ ना खाओ लेकिन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जामिनेशन पास करना है तो मैं तो कहता हूं भाई साहब आप कुछ मत कीजिए, एक क्वेश्चन एटलीस्ट पजल, एक क्वेश्चन एटलीस्ट सिटिंग अरेंजमेंट, आपसे ना आधा घंटा दो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पजल आपको 5 मिनट बनना चाहिए, नहीं बनेगा, लिख के देता हूं मैं, आप आधा घंटा दीजिए पजल पे, आप आधा घंटा दीजिए सिटिंग अरेंजमेंट पे, यही हाफ एन आवर जब आप 30 दिन दे देंगे तो नेक्स्ट मंथ पहले दिन से क्या होगा कि रिड्यूस होके वो 5 मिनट पे आ जाएगा, और यही चाहिए आपको। 3 मिनट में सिटिंग अरेंजमेंट, क्लर्क क्यों की बात कर रहा हूँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, 3 मिनट में सिटिंग अरेंजमेंट बनना चाहिए मैक्सिमम, 3 मिनट में पजल बनना चाहिए। और कितने क्वेश्चन पूछे आते हैं यहाँ से तो आप जान लें कि मिनिमम जो क्वेश्चन पूछे आते हैं कितने लिखा मैंने, 25 मार्क्स, सीधी सी बात, 25 मार्क्स इन दोनों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब आप स्क्रीन पर जाइएगा अपने ऑनलाइन टेस्ट में तो सिर्फ आपको दिखेगा कि हमने पढ़ा कुछ और, यहाँ पे तो सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट ही आ रहा है, ऑब्वियसली बात है साहब आएगा क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के एग्जामिनेशन है और 2018 के बाद सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और 10 जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे आएंगे कहाँ से, तो सिलॉक से पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन से पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाएंगे, या फिर डायरेक्शन से पूछे जाएंगे, या फिर सिक्वेंस से पूछे जाएंगे, तो ये अलग अलग है। तो बेटर है कि इन 10 को तो पहले आप कर लीजिए क्योंकि ये 10 आसान होते हैं। सिरोलिज्म एक बार ट्रिक बता दिया, बनेगा आपको। ब्लड रिलेशन एक बार आपने पूरा फ्रेम जान लिया कि फादर इन लॉ मदर इन लॉ कौन, बनेगा आपको। डायरेक्शन भी आप जान लेंगे, 10 किलोमीटर राइट 10 किलोमीटर रेट क्या है, तो बनेगा। तो 10 मार्क्स यहां से आप उठा लीजिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में एक्यूरेसी पूरी आती है, मैथ्स में एक दो मार्क्स चूक जा सकते हैं, बट रीजनिंग में अगर आपको आएगा तो पूरा 100% आएगा। तो 10 मार्क्स यहाँ पे शॉर्ट श्योर शॉर्ट आपके पास होने चाहिए और 15 मार्क्स यहाँ से आपको 3 पजल आपको या सिटिंग अरेंजमेंट आपको लेने हैं और यहाँ पर 25 मार्क्स आपको लाना है। ये छोटे छोटे है ना, नन्हे मुन्ने राही हैं, ये पहले बना लीजिए, आप सिलॉक्स बना लीजिए, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अच्छा लग रहा है रीजनिंग, ब्लड लिसनर बना लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग बना लीजिए। 10 मार्क्स 100% आपके साथ है पहले इन चीजों को बनाने का एग्जामिनेशन में, उसके बाद
आप चूज कीजिए कि मुझे कौन सा पजल बनाना है, मुझे कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है। जो पजल हार्ड लगेगा, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया या प्रैक्टिस किया तो 8 मिनट बना, देखते ही उसको छोड़ देने का, उसमें बहादुरी नहीं दिखाने का कि हमने पढ़ा है तो आज हम यहाँ पर कर ही सकते हैं, बहादुरी मत दिखाई। जो आसान सा लगे, जो आपके प्रैक्टिस में भी आपको 2 से 3-4 मिनट बन जाता है, सिर्फ उसी में हाथ लगाने का। एक बार हाथ अगर लगा दिया तो 5 मार्क्स निकल के आने चाहिए, अदरवाइज हाथ लगाने के बाद और अगर नहीं बनता है तो पूरी एग्जामिनेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो खराब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि एग्जामिनेशन में स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी फेल अगर 1 मिनट के लिए भी हो गई तो पूरा जो टेंशन है वो आपके 5 मिनट को लेकर चला जाएगा, और 5 मिनट का मतलब है आप अपने पास से 8 मार्क्स लूज कर रहे हैं, और 8 मार्क्स लूज करने का मतलब है आप कॉम्पिटिशन में नहीं है। तो मैंने क्या बताया, 20 मिनट में 23 मार्क्स एटलीस्ट मैथ में आने चाहिए, 20 मिनट में एटलीस्ट 25 मार्क्स रीजनिंग में आने चाहिए। कितना हो गया अभी एडिशन 25 और 23 कितना हुआ? 48। आपको कितना चाहिए? 22 मार्क्स आपको चाहिए। अभी सुने यहीं पे, 22 मार्क्स इंग्लिश में लाना इज नॉट ए जोक। फिर से बोलता हूं, आसान सा आपको लगेगा कि 22 तो हमें इंग्लिश में आ सकता है, बट इंग्लिश में 22 लाना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही बोलता हूं। इस कारण से इंग्लिश में आप कोशिश कीजिए कि 15 मार्क्स आपके आने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। और यहाँ जो गैप पड़ा 7 मार्क्स का, ये 7 मार्क्स यहां से आपको फिल करना पड़ेगा। इंग्लिश आपके एग्जामिनेशन में एक ऐसा रोल निभाता है जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर या एग्जामिनेशन के बाहर कर सकता है। इंग्लिश थोड़ा टफ लगता है क्योंकि उसके पास ऐसा कोई बड़ा हथियार नहीं है, फिर भी आपका इंटरेस्ट और जो सर ने बताया है उस प्रैक्टिस पे आपने अमल किया है और एक्चुअली में आपने उसको पढ़ा है। पैसेज को पढ़िए, कॉमन नेट को पढ़िए, रीअरेंजमेंट को पढ़िए, आप क्लोज टेस्ट को पढ़िए। मतलब कहने का मतलब इंटरेस्ट पैदा कीजिए आप इंग्लिश में। अगर इंटरेस्ट पैदा कीजिएगा तो ही ये 15 मार्क्स आपको आएगा। और मैं पहले ही बोलता हूं, अगर बैंक एग्जाम क्वालिफाई करना है इंग्लिश को क्वालिफाई कीजिए पहला, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सब क्वालिफाई करते हैं, इंग्लिश बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं। सबसे जो पहला फोकस है वो इंग्लिश पे कीजिए, दूसरा जो फोकस है वो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट कीजिए, बाकी सारे ऑटोमेटिक बढ़ते रहेंगे। आप उसका टेंशन मत लीजिए कि बाकी कैसे होंगे। अगर इंग्लिश पे प्राइम फोकस है, सिटिंग अरेंजमेंट पजल पे सेकेंडरी फोकस है, तो टर्शरी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक उस फ्लो में आ जाता है कि अपने आप वो बढ़ते रहेगा, है ना। अंदर से आपको डिजायर होगा, और अंदर से डिजायर तभी आ सकता है जिस कंडीशन में कॉम्पिटिशन की भावना आपके अंदर हो और आपको ये देख के लग रहा हो कि मेरा फ्रेंड 22 मार्क्स ला रहा है, मैं तो 15 ही मार्क्स ला रहा हूँ, आखिर कैसे ला रहा है 22 मार्क्स। उससे पूछिए कि कौन सा लॉजिक उसने यूज किया, कैसे उसने इतने ही समय में आपसे 7 मार्क्स ज्यादा लगाया, है ना। तो ये ज्यादा बेटर आपका वो फ्रेंड बता सकता है, ना कि मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ। कोई भी फैकल्टी जो है आपको एक ट्रिक बता सकता है, एक गाइडेंस दे सकता है, बट जो हाथों की स्पीड है ये सर आवाज ब्रेक हो गया। आवाज आ रही है क्या? आवाज अभी आ रही है। हाँ देखिए, बहुत बड़ी बात मैंने बताई है। ये बातें इस कारण से मैं इतने सही ढंग से बता पाया हूँ क्योंकि मैं भी एग्जामिनेशन की तैयारी करता था। शुरुआत में मुझे भी 2008-09 में कुछ नहीं मालूम था बैंकिंग का, मुझे ऐसा बताने वाला भी कोई नहीं था। पहला दिन गया एम टायरा बुक खरीद के लाया तो ऐसे ही गुम हो गया था, है ना। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इतने दिनों का टीचिंग एक्सपीरियंस है जिसके सहारे मैं आपको ये चीज बताता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वो है ग्रुप प्रैक्टिस। मैं कभी आपको नहीं बोलता कि 6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, मैं कभी सजेस्ट देता ही नहीं हूँ। लोग पूछते हैं कि सर कितना घंटे पढ़ूं, मैंने बोला कि भाई 24 घंटे भी कम है, 1 घंटा भी ज्यादा है। आप सिर्फ ग्रुप में प्रैक्टिस कीजिए, ग्रुप प्रैक्टिस आपको बैंक के अंदर पहुंचा देगा। मैं ये टाइम लाइन नहीं दे सकता हूं कि आप 6 महीने के अंदर पहुंच जाइएगा या 2 महीने के अंदर पहुंच जाइएगा या 2 साल के अंदर पहुंचिएगा, लेकिन आप पहुंच जाइएगा अगर आपने ग्रुप में प्रैक्टिस किया है तो। और दूसरी बात, अगर सरकारी नौकरी के अंदर आप जाना चाहते हैं, यू हैव टू कीप पेशेंस।
पेशेंस नहीं है आपके जैसा और आपके जैसा प्रिपरेशन करने वाला और मेरे जैसा पढ़ाने वाला सैकड़ों और हजारों की कतार में इंडिया में बैठे हुए हैं। पेशेंस रखिए और जो आपकी प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया सर? अभी तो आपने बोला ग्रुप प्रैक्टिस कंपलसरी है, राइट? अब आप बोलोगे सर इस कोरोना में किधर ग्रुप प्रैक्टिस करें, यही बोलोगे ना? सर वही तो प्रॉब्लम है, क्लासेस भी अपना ऑन नहीं है कभी ग्रुप प्रैक्टिस। और प्रॉब्लम सर मैं अपना प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि मेरे प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे दोस्त लोग में 12th के आगे कोई गया नहीं है, तो उनको अभी क्या कर सकते हैं? मेरे को ये बताओ कि आप कौन से ब्रांच से हो। अरे बहाना नहीं सॉल्यूशन बनाने का, कौन से ब्रांच से हो? सॉल्यूशन। अरे रुको मैं देखो ना कैसे सॉल्यूशन देता हूँ तुमको। बोलो कौन से ब्रांच से हो? घाटकोपर ब्रांच। घाटकोपर ब्रांच से हो? घाटकोपर ब्रांच में जब जाते थे तो आपके साथ जो 20 या 25 स्टूडेंट बैठते थे उसमें से किसी के साथ आप संपर्क में हैं? सर मेरा न्यू एडमिशन है कोरोना पीरियड का। ओके तो कोरोना, ऐसा बोलो कि कोरोना एडमिशन है सर हमारा। हाँ सर वही कोरोना एडमिशन है सर। अच्छा अब क्या करोगे आप? कोरोना तो ऐसा प्रलय आ गया है जो सबको इसने अपने चपेट में ले लिया है, तो यहाँ पर थोड़ा टफ है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आपके अगर आजू बाजू कोई है, आपके पास जो क्लास का ग्रुप है उसी में मैसेज डालिए कि आपके घर के आजू बाजू या उस लोकेलिटी में कोई है, तो दो के साथ ही शुरुआत करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ 20 के साथ शुरुआत करो, एटलीस्ट दो के साथ शुरुआत करो। समझ में आया? है ना? धीरे धीरे वो देखो ग्रुप में एक ही चीज होता है, इंटरेस्ट आता है। अकेले क्या होता है कि चलो कल कर लूंगा यार, आज चलते हैं घूमने के लिए, मॉल खुला है आज मॉल चलते हैं। तो दो लोगों में, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप दो या तीन लोगों में पढ़ते हैं तो डायरी मेंटेन कीजिए कि फर्स्ट डे आपने अगर बनाया तो कितने मार्क्स आपको इंडिविजुअली आए, मैथ में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए, उसको इवेल्युएट कीजिए किस किस रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं। जब तक इवेल्युएशन नहीं कीजिएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना? आपने अगर 50 मार्क्स बनाए हैं, 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपको आए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 30 जो गलत हुए हैं वो गलत क्यों हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने गलती क्यों की, वो अगर आपको अगर मिल गया कि ये गलती आप कर रहे हैं तो संभवतः दूसरी बार भी आप गलती कीजिएगा, संभवतः तीसरी बार भी आप वहां पर गलती कीजिएगा, लेकिन चौथी बार आप वहां गलती करने से पहले आप समझ जाएंगे कि हाँ मैं गलती करने जा रहा हूं। तो वो अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूं। तो जो गलत कर रहे हैं उस पर सबसे ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए। जहां पर गलती किया उससे पूछिए, उसने जहां पर गलती करेगा आपसे पूछेगा, तो ये अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट होते जाता है और कॉन्फिडेंस आते जाता है, फिर कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा। यस सर। और किसी को कुछ पूछना? सर आपने लास्ट वीक एक बुक बताया था अमेज़न पे कुछ बैंकिंग डीएससी करके, तो हाँ जी उसका नाम वापिस बता सकते हैं क्या सर? अरे बिल्कुल, मैंने बताया था बीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, आपको नहीं मिला? नहीं सर, लास्ट टाइम में वो आपका वॉइस ओवर थोड़ा ये हो रहा था ना, इसके लिए लिख लो बीएससी बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल, बीएससी अमेज़न पे टाइप कीजिए, बीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, है ना? इसको परचेज कीजिए, बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, इसको परचेज कीजिए जहां भी आपको मिल रहा है। सर आवाज गया आपका। हाँ आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। समझ में आया? ये स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप अपने आप को एक सफल कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं तो स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। और बैंक में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी प्रैक्टिस और आपकी स्पीड। इससे ज्यादा संभवतः मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ और बताने की जरूरत है, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीजें हैं जिसमें आप अगर जान गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने फॉलो किया है। तो कल को होके एक महीने के बाद आप चाहेंगे कि आप खुद बोलेंगे कि सर मुझे आपकी क्लास की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे ग्रुप में जाना है, है ना? अभी मैं आपको बताता हूँ कि डोंबिवली में क्लब चलता है, अभी भी क्लब चलता है,
जो क्लब मेरे अंदर चलता है 2014 से लेके आज तक वो क्लब चल रहा है, 6 सालों से वो क्लब चल रहा है, मेरे अंदर ही वो क्लब चल रहा है लेकिन डोंबिवली में चल रहा है, और ऐसा कोई संभवतः एग्जाम से नहीं हुआ जहां पे वहां से रिजल्ट नहीं आते हैं, है? तो ये इंपॉर्टेंस है आपके ग्रुप प्रैक्टिस का, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक ब्रांच को मैं देख नहीं पाऊंगा, अगर घाटकोपर से है, मीरा रोड से है, दादर से है, तो अपने आप में आप फॉर्म कीजिए, अपने आप में एक सेक्रेटरी बनाइए कि आज वो सेक्रेटरी है, आप कंट्रीब्यूशन कीजिए 100 रुपीज पर मंथ, हर एक लोग कंट्रीब्यूशन कीजिए, है ना। एक बंदा चेयरपर्सन रहेगा, वो हर एक अल्टरनेट डे प्रिंट आउट लेके आएगा, ठीक है। पोस्ट कोरोना, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, पोस्ट कोरोना की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्री कोरोना में आपके आजू बाजू लोकेलिटी में कोई स्टूडेंट है उसके साथ दो से ही शुरुआत कीजिए, बट शुरुआत कीजिए, है ना। एक बार शुरुआत अगर होगा तो अंजाम तक वो जरूर पहुंचेगा। तो आई होप कि इतना काफी है आपको एक सही डायरेक्शन देने के लिए, एक जेन्यून, एक जो जेन्यून गाइडेंस है वो यही है आप एग्जामिनेशन को पास करने का। Okay. और कुछ पूछना समझना? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, चले फिर यहीं पे रोके हम आपकी क्लास को। ओके, गुड नाइट, नेक्स्ट संडे मुलाकात होगी, इससे ज्यादा की बात हम करेंगे। थैंक यू सर। वो मी समझते जाने।